जोड़ो यात्रा की बात करें तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, टाइक्वांडो की ड्रेसेस में हैं और राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत जो है वो हमने लखनपुर में भी देखा और जम्मू में भी स्वागत की तैयारियां फुल जोर से चल रही हैं। मासूम मासूम से बच्चे हैं, जानते हैं क्या नाम है इनका? नाम क्या? अक्षित कुमार। टाइक्वांडो जानते हो? यस सर। राहुल गांधी से मिलने का मौका मिलेगा तो क्या कहोगे उनसे? मैं अपनी टाइक्वांडो गेम को फिर आगे लेना चाहता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इंडिया को। इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? यस सर। तो यही उनसे कहोगे? यस सर। कौन सी क्लास में आप? नाइन्थ में। जोश है पूरा? यस सर, पूरा। यस सर। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल जी, कितनी एक्साइटमेंट है राहुल गांधी से मिलने के लिए, या फिर मिलने का मौका नहीं मिला, अगर दूर से भी देखने को मिले तो एक्साइटमेंट है? हाँ, एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। अगर मिलोगे तो क्या कहोगे? बस इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना के। वो कहेंगे उसके लिए तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करना पड़ेगा। मैं मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करते हैं? यस सर। क्या बात है, क्या बात है। क्या नाम है? ऋषि। जब राहुल गांधी जी आएंगे तो कुछ कलाबाजी भी दिखाओगे टाइक्वांडो की कि नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। कौन है आपके टीचर, कौन है गुरु आपको सिखाते हैं? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी। अच्छा, अमन गुप्ता जी को कौन नहीं जानता, वो बड़े बड़े इवेंट्स भी करते हैं, इनारा ट्रस्ट के चेयरपर्सन है, इसके साथ साथ बच्चों को टाइक्वांडो सिखाते हैं, ये मुझे आज पता चला। डांटते हैं अमन जी? नहीं सर, नहीं। बड़े प्यार से समझाते हैं? बहुत प्यार। मतलब प्यार भी अच्छा करते हैं? यस सर। तो क्या एक मैसेज आज कन्वे करोगे राहुल गांधी से, अगर मिले तो क्या कहोगे? कि हम अपनी गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड ये कि ज़्यादा हार्ड वर्क करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। क्या बात है, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची और भी है, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, क्या नाम है? तनीषा। तनीषा, आपको भी अमन सर सिखाते हैं? नहीं, आपको चाहिए वाले सर सिखाते हैं? अच्छा, उनको अमन सर सिखाते हैं। क्या कहोगे आज राहुल गांधी से मिलके? अभी पता नहीं है, सोचेंगे, सोच विचार करके बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? रितु शर्मा जी। अच्छा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि कश्मीर तक जानी है और आज जम्मू पहुंचे हैं, काफी देर से जम्मू वासी इंतजार कर रहे थे, खुशी है उनके आने की? यस सर, ऑफ कोर्स। अगर मिलने का मौका मिलता है राहुल गांधी जी से तो क्या कहोगे आप? सर यही कहेंगे कि हमारी टाइक्वांडो आगे बढ़ाई जाए, हमें सपोर्ट किया जाए, हम आगे जाए, मेहनत करके कुछ बने, और बहुत खुशी होगी हमें राहुल जी से। अभी फिलहाल आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, कमियां कहां नजर आ रही हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आ रही है या क्यों हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी जो आगे तक नहीं पहुंच पा रहे, क्या वजह है उसकी? सर वो तो अभी पता नहीं, वो नहीं बता सकते। तो खैर, राहुल गांधी जी का इंतजार तो है और टाइक्वांडो की ड्रेसेस में है और इन बच्चों से हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तन्वी कौर। आप थोड़े घबरा रहे हो कि शर्मा रहे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, टाइक्वांडो में कौन सिखाता आपको? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी। बड़े गुस्से से सिखाते हैं या प्यार से? नहीं नहीं, प्यार से। ऐसे तो नहीं वो सामने खड़े तो इसलिए ऐसे कह रहे हो? पक्का? अच्छा, टाइक्वांडो के अलावा और क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हॉबीज क्या है आपकी? 12th स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्ट्रीम है। मेडिकल स्ट्रीम है, 12th स्टैंडर्ड है। अच्छा, लड़कियों के लिए टाइक्वांडो सीखना कितना जरूरी है, खास तौर पे सेल्फ डिफेंस के तौर पे? आजकल के टाइम पे बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। ऑलमोस्ट टाइम लड़कियां जब रात को जाती हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है उनके लिए आजकल के टाइम पे। बहुत जरूरी है। अच्छा, जिन जिनको पता है, खास तौर पे लड़कों को, जिन जिनको पता है कि आपको टाइक्वांडो आता है, वो सो आपसे 10 कदम दूर रहते होंगे ऐसे करके, है ना? कहीं ये ना हो घुमा घुमा दे कहीं लग जाए। अच्छा, राहुल गांधी जी को क्या एक मैसेज देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर वो मिलते हैं, क्या कहोगे? कुछ नहीं, टाइक्वांडो स्पोर्ट्स को और सपोर्ट करो, हमारे नेशनल्स लगते रहते हैं आजकल के टाइम पे, तो उनको उस चीज़ को सपोर्ट करो, उस चीज़ को सपोर्ट करो बस। क्या नाम है आपका? अभी। आप कितनी देर होगी टाइक्वांडो सीखते हुए? मेरे को 4 साल हुए टाइक्वांडो खेलते हुए। 4 साल। पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाए, जहनी तौर पर कितना बदलाव आप अपने आप में देखते हो 4 साल पहले और 4 साल के बाद, कितने कॉन्फिडेंस हो, क्या फर्क दिखता है? 4 साल के बाद बहुत नेशनल लगाए हैं, मेडल भी निकाले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ड्यूरिंग दैट इंजरी का खतरा कितना रहता है, किस तरह अपने ख्याल रखते हो, क्योंकि एक खिलाड़ी के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मुझे इंजरी ना आए? इंजरीज का भी होता है, बीच बीच में कभी कभी 3-3 महीने की रेस्ट मिल जाती है इंजरीज की वजह से, फिर प्रैक्टिस कम हो जाती है, इसलिए उनकी इंजरीज का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो डाइट प्लान क्या रहता है आपका? बड़ी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ती होंगी, जंक फूड अवॉइड करना होता, मन करता होगा मोमो खाने का, जलेबी खाने का, समोसे खाने का, वो तो रह गए? वो नहीं होगा, नहीं होता। नहीं, आप खाते हो? पक्का? चोरी चोरी बिना सर को सुनाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जी, अगले दिन डबल वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, क्या एक संदेशा देना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? आप संदेशा कि ये स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, जैसे बाकी खेलों को प्यार दिया जाता है, फुटबॉल को, हॉकी को, वैसे हर गेम को जो है सपोर्ट करना चाहिए। क्या नाम आपका? एंड्रू। आपको कितनी देर होगी सीखते हुए? मेरे को भी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कॉन्फिडेंस आ गया आप में? नहीं। अभी कौन सी बेल्ट है आपकी? मेरी अभी व्हाइट बेल्ट ही है। व्हाइट बेल्ट है।
अच्छा आपसे मैं जानूंगा, ये बेल्ट पहले क्या ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पड़ाव पार करने पड़ते हैं? ये पहले व्हाइट से स्टार्ट होता है, फिर येलो, येलो वन, ग्रीन, ग्रीन वन, रेड, रेड वन, फिर ब्लैक आती है, फिर फर्स्ट ब्लैक में भी आता है फर्स्ट डैन, सेकंड डैन, थर्ड डैन, इतना कुछ आता है, रैंकिंग होती है। भगवान इनकी तो बड़ी कड़ी मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद जो है इन पर बनाए रखे। अमन जी से बात करते हैं, अमन जी आप यहाँ पर आइए, ये सभी बच्चों को आपने तैयार किया? यस सर। और आज एक यूनिक तरीके से, एक अलग तरीके से राहुल गांधी जी का आप स्वागत कर रहे हो। इन बच्चों ने तो मैसेज दे दिया कि हमारी स्पोर्ट्स जो है, जो हम खेलते हैं, ये और आगे तक पहुंचे, हम इंटरनेशनल के लिए परफॉर्म करें, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। आपका क्या मोटिव और एम है खास तौर पे आज मिलके आप क्या क्लियर करोगे बातें? सर एक एथलीट का ये मोटिव होता है कि एथलीट मतलब जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम कभी जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जैसे कि अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की है, तो उन्होंने भी कभी जात पात में वो नहीं किया, हर स्टेट टू स्टेट मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो वही हमारा स्पोर्ट्स में भी था कि हम उनके साथ जाएं, इंटरेक्शन करें, थोड़ा उनको भी सपोर्ट करें, सो दैट वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यूथ को लेके। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देता हूँ कि वो मतलब कि इंटरेक्शन से दूर रहें, स्पोर्ट्स नशे से दूर रहें, तो स्पोर्ट्स में आए करें, तभी हम उनको आगे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ना इसको पॉलिटिकल यात्रा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि राहुल गांधी जी समय समय पर ये कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। तो क्या एक मैसेज रहेगा उन लोगों को जो इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? सर वो बात आ गई ना कि अब हम इंडिया में रहते हैं तो टांग खींचने वाले तो बहुत आ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब हम भी इसीलिए आए हैं कि एज़ यू नो आप हमारी एनजीओ भी है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम भी इसीलिए आए क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये कांग्रेस की या किसी पर्टिकुलर पार्टी की यात्रा नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप बीइंग अ ह्यूमन बीइंग अ इंडियन उसको एज ए यात्रा कॉन्सेंट्रेट करें ना कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, तो हर कोई इसको सपोर्ट करेगा। बट वही बात है कि टांग खींचने वाले बहुत हैं, तो कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। तो हम तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं, तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। चलो ढेर सारी मुबारकबाद आपको, आपकी एनजीओ को, आपको और आपकी पूरी टीम को। तो भारत जोड़ो यात्रा में ये तमाम बच्चे जो हैं वो एक मैसेज लेकर जा रहे हैं, और राहुल गांधी से अगर मिलने का मौका मिला तो ये कहेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स को और आगे किस तरह लेके जाया जाए, उससे बात करेंगे। और हमने अमन जी से बात की और इन्होंने भी कहा कि देखिए इस भारत जोड़ो यात्रा को पॉलिटिकल एंगल मत दीजिए। बहुत सी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या बाकी पार्टी की बात करूं, वो इसको पॉलिटिकल यात्रा में कन्वर्ट करने के लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग खुद इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एंगल से उनको लेकर नहीं आया कि आप आइए और राहुल गांधी आए हैं, जी नहीं। कश्मीर में जाकर 26 जनवरी को लाल चौक में तिरंगा झंडा जो है वो राहुल गांधी चढ़ाएंगे, और इस भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सफल जो है वो आप लोग भी बनाइए। देखते रहिए जेके पेरिस, राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए।